हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल तेजविन फूडी एंड क्राफ्टी। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बादाम कस्टर्ड आइसक्रीम मिल्क शेक। ये बहुत ही टेस्टी मिल्क शेक है। कोई भी गेस्ट आए इसे इजीली बना के सर्व कर सकते हैं। ये टेस्ट में और लुक में दोनों में ही बेस्ट है। तो शेक बनाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक लाइक तो बनता है इस यमी शेक को। ये शेक बनाने के लिए हमने लिया है एक बाउल बादाम का, या आप 10 से 12 बादाम ले सकते हैं। इसे पीस कर इस तरीके से पाउडर बना लेना है। अब हम लेंगे 1/2 लीटर मिल्क। इसमें डालेंगे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। ठंडे दूध में कस्टर्ड पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रहे कोई भी लम्स ना बने। अब लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर वाला दूध और इसे अच्छे से गर्म होने तक पकाना है। एक उबाल आ चुका है, अब हमें इसमें डालना है बादाम का पाउडर जो हमने रेडी किया था। अब लगातार चलाते हुए इसे पकाना है ताकि कोई भी लम्स ना बने। अच्छे से उबाल आने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा बाउल शुगर का। ये शुगर अच्छे से मेल्ट होके इसमें मिक्स हो जाए जब तक इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। ये देखिए, थोड़ा सा थिक हो चुका है हमारा कस्टर्ड। अब गैस को कर देते हैं बंद और इसे करते हैं दूसरे बाउल में शिफ्ट। कस्टर्ड ठंडा करने के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। कम से कम 2 घंटे इसे ठंडा करने के लिए रखें। 2 घंटे हो चुके हैं, यह हमारा कस्टर्ड पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब एक मिक्सर में हम डालेंगे कस्टर्ड। जितना आपको बनाना है शेक उतना कस्टर्ड डालें। अब डालेंगे दूध। अब डालेंगे आइसक्रीम, ये मैंने वनीला आइसक्रीम ली है। इन सभी को अच्छे से फैट कर मिक्स कर लें। ये सभी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब हम करते हैं इसे सर्व। अब लेंगे 2 गिलास। सर्व करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से सर्व करेंगे तो एक अच्छा इम्प्रेशन बनेगा। तो सर्व करने के लिए भी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस तरीके से स्पून की सहायता से हम 2 अब्सा गिलास के चारों तरफ लगाएंगे। अब डालेंगे 1 टेबल स्पून सब्जा जो कि मैंने भिगो के रेडी कर रखा था। अब डालेंगे हमारा बनाया हुआ शेक। ऊपर से डालूंगी मैं ये वेनिला आइसक्रीम। अब फिर से डालेंगे रूह अफ़ज़ा। अब डालेंगे डेकोरेशन के लिए थोड़ी सी चेरी। ये हमारा बादाम कस्टर्ड आइसक्रीम मिल्कशेक रेडी है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा ये मिल्कशेक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।